गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो 8:18 और मैंने ये उबेर आप लोगों के सामने लॉग इन किया। बाकी मार्केट तो उतनी खास नहीं दिख रही, बट देखते हैं कितना क्या हो पाता है। ऑफलाइन वाले जो बंदे थे हमारा, उनसे मैंने बात किया तो वो थोड़ा कहीं अपने मम्मी के साथ जाने वाले हैं। चलो अभी हम फर्स्ट राइड का वेट कर लेते हैं। चलो गाइस, ये मेरे को गोपालपुर की राइड मिल गई, देखो तुरंत मिल गई 1 मिनट में। चलो इनको पिक करते हैं, पिकअप तो यही है 350 होगी, 550 मीटर, सॉरी। भाई साहब ठंडी बहुत तगड़ी कर दी यार, अभी तो हल्की हल्की धूप निकल रही है और जो है ना ठंडी हवा चल रही है कितनी तेज़, इसलिए आज मैं थोड़ा सा कान को भी ढक लिया हूँ, दिख रहा होगा तो हेलमेट आज है बसो। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई और 74 कलेक्ट, 76 दिखा था, 70 रुपीज़ मिला क्योंकि 6 किलोमीटर ही था। और मेरे को एक और राइड आ रखी है, जा रहा हूँ पिक करने को। लीजिए, चलो लगा दो। चलो कंप्लीट सेकंड राइड एंड इसका मिला मेरे को 48 रुपीज़, 50 कैश कलेक्ट करना था, 48 मिला। और उबेर का वॉलेट में काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब माइनस में चल रही हमारा, उसको पे करना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तो हो ही गया होगा, देख लेता हूँ, मतलब 200 193, और 11 आज का अगर कैल ऐड कर देगा तो गाइस ये हो जाएगा 204 रुपीज़। चलो देखते हैं, ऑनलाइन वाली कोई मिल जाएगी राइड तो उसी में मैनेज कर लूँगा। बाय द वे ठंडी बहुत तगड़ी है, वो देखो फॉग दिख रही होगी आप लोगों को, आई डोंट नो कि कैमरे में शो हो रही है नहीं, मैं एक्शन एरिया 1 में हूँ एंड ये अखन का मोड है, देखो पूरा फॉग से भरा पड़ा है भाई, क्योंकि न्यू टाउन में सबसे ज़्यादा फॉग होती है ना। चलो यहाँ पे तो नेक्स्ट राइड मिलने से रहा, देखता हूँ नहीं तो फिर भागूंगा चिनार पार्क की तरफ। दिल्ली में गाइस, नोएडा वगैरह में ओला जो है ना फूड सर्विस चालू कर दिया गया है, बाकी अपने आप कोलकाता में देखता हूँ कब तक आता है। जहाँ तक मेरे को पता है दिल्ली में कुछ भी आती है सबसे पहले दिल्ली में ही आती है, उसके बाद ही कहीं पे आता है, दिल्ली मुंबई बेंगलोर ये सब एरिया में पहले सर्विस मिलती है, उसके बाद ही अपने कोलकाता वोलकाता में आती है। तो आई थिंक 1-2 महीना के अंदर अपने कोलकाता में भी आ सकती है, बाकी देखते हैं। अभी तक तो बाइक सर्विस ही है और कोई सर्विस ऐड नहीं किया गया है। चलो तुरंत ही मेरे को मिल गई इसी में उबेर ओला में ही सेक्टर 5 की, और मैंने देखा नहीं भाई, पिक हो गई गलती से, अब हो गई तो अब चलो पिकअप बागुवाटी में है भाई, वाह वाह पिकअप देख रहे हो 1.2 किलोमीटर। भाई आज तो ओला बहुत बवाल कर रही है भाई, ये देखो फिर से ओला की राइड आ गई और पिकअप जो है डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है।
ये मेरे को 4 किलोमीटर की राइड मिल गई। पता नहीं कौन सा लोकेशन था न्यू टाउन में, मैंने देखा ही नहीं। पेमेंट अच्छी दे रही भाई आजकल, 72 रुपये दे शो कर रहा है मेरे को। और डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप 4 पॉइंट समथिंग था। चलो अगर ओला ही सही दे रही है तो ओला में आज काम किया जाए। ये कहाँ की राइड है जी? राइड कहाँ की है? ये ड्रॉप। हाँ। आपका गेट टू। अच्छा पिन बता दी। अच्छा लोकेशन मारेंगे वेबल आईटी पर। हाँ पिन बता दीजिए। अच्छा 601। आराम से चलो। ठीक है वेलकम। तो चलो गाइस मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। आप लोग ये चीज़ पूछते रहते हो कि ओला में पेमेंट कम क्यों दे रहा है। ये देखो 35 दिख रहा है ना, तो ये कस्टमर से कलेक्ट करना है सिर्फ मेरे को 35 रुपीज़। ठीक है ध्यान से देखना, 35 कस्टमर से कलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे ये राइड आने से पहले मुझे शो किया था 72 रुपीज़। अभी देखना कैश कलेक्ट मैंने कर लिया, रेटिंग देता हूँ डन। उसके बाद देखो गाइस हमें इस राइड का कितना मिल गया, अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो 67 मिला ना। तो कैश कलेक्ट कुछ और देती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को जो ना ओला क्या कर रही है मैं बता रहा हूँ, लो प्राइस में ये डिस्टेंस जो था 5 किलोमीटर का था तो मेरे को 67 मिला। तो मतलब ये भी उबेर की तरह ही पेमेंट हम लोगों को दे रही है, कम नहीं मिल रहा है पेमेंट। वो सिर्फ हम लोगों को लग रहा है कि ओला हम लोगों को पेमेंट कम देती, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वॉलेट में जाकर देखोगे वो सारा वॉलेट में ऐड किया जा रहा है आपको, और नेक्स्ट डे 4 बजे आपको वहाँ से दे दिया जाएगा पेमेंट आपके बैंक में। देखो मेरे अकाउंट में जो है ना कैश ट्रिप ब्लॉक कर दिया गया। ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, कैश ट्रिप ब्लॉक ऑन योर अकाउंट। अभी मैं स्नैप भी लगा देता हूँ। रीज़न है कि भाई ब्लॉक करेगा ही क्योंकि कैश ट्रिप बहुत ज़्यादा हो गया हमारा। ये देखो वॉलेट में दिखाता हूँ 186 रुपीज़ हो गया है। तो वही 200 लगभग आते आते ना बंद कर देते, पहले हमारा नहीं बंद करता था कैश ट्रिप, बट अब देखता हूँ धीरे धीरे बंद कर दे रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या दिक्कत है भाई, उसका पेमेंट है उसको तो पे करना ही पड़ेगा ना। आ गए हावड़ा स्टेशन गाइस। ये देखो भैया जा रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे थे भाई, रास्ते में चाय वाय पिए आराम आराम से आए हैं। इनका टाइमिंग था ट्रेन का 12:35 और इनको मैंने 12 बजे से पहले ड्रॉप कर दिया। चिल मारते मारते आए दोनों और बहुत बढ़िया बंदे यार, मतलब इतना क्लोजली बात करने वाला ना बंदा बहुत कम मिलता है हम लोगों को। इन्होंने 200 रुपीज़ पे किया मेरे को, एक्चुअली इनका फेयर था 138 और पे किया इन्होंने 200 रुपीज़। देखता हूँ इसमें मिलता कितना है मेरे को। इस राइड के 163 रुपीज़ मिला। चलो बढ़िया है भाई, देख रहे हो उबेर का हमको अच्छा लगता है। ये डिस्टेंस जो था ना कितना 16.6 किलोमीटर, तो उसका 163 रुपीज़ मिला। चलो ठीक है, बाकी उबेर ऑन करते हैं इधर देखते हैं। चलो एक ऑफलाइन राइड उठा लिया मैंने। भैया यहाँ पे खड़े थे काफ़ी टाइम से सॉल्ट लेक सेक्टर 3 जाने के लिए, 120 रुपये में 11 किलोमीटर। उबेर क्लोज, ओला भी क्लोज। चले कहाँ से आए आप भैया, कहाँ से आए? चलो गाइस ये राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था के पास भैया को ड्रॉप किया, 120 रुपये लिया और अभी निकलो यहाँ से। देखो गाइस मार्केट पूरी वाइट वाइट हो गई, देख लो है ही नहीं कहीं पर भी, हावड़ा स्टेशन में भी नहीं है, कहीं नहीं है। राइड का भाई यही लोचा है भाई, 12 बजे 11 बजे तक राइड अच्छी खासी रहती है, उसके बाद ऐसा लुल हो जाता है कि भाई पता ही नहीं चलता किसी को। चलो
ओला भी नहीं बज रहा, ये भी अचानक से गोला खा जाता है भाई। देखते हैं। देखो एक यहाँ पे एक कस्टमर है भाई साहब, बहुत गंदी गाली लिख रखा है। बता रहा हूँ इसने क्या किया। ये एक्चुअली राइडर ही है, ठीक है, मतलब कोई बाइक टैक्सी वाला ही होगा। उसने क्या किया, एज ए कस्टमर बन के यहाँ पे बुकिंग किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जब इसको क्लिक किया, ऐसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिखा रहता है एड्रेस वेड्रेस, उसके बाद कुछ उसका नोट दिया रहता है कि उसको जो इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है उस रिगार्डिंग। तो यहाँ पे उसने लिख रखा था बहुत गंदी गंदी गाली वो, और लिख रखा था उबेर साला, सॉरी इन ड्राइवर साला पूरा मार्केट ख़राब कर रखा है। बहुत गंदी गाली दे रखा है भाई। एक बज गए लेकिन राइड नहीं मिली, देखता हूँ क्या होती है भाई। बज नहीं रहा किसी में भी, पोर्टल भी लॉगिन कर लिया हूँ, रैपिडो भी लॉगिन कर लिया हूँ, लेकिन बज नहीं रहा कहीं भी। गाइस राइड मिली नहीं तो हम धीरे धीरे निकल रहे थे, और निकलते निकलते घर के लोकेशन की तरफ आ गया। अब सोच रहा हूँ कि बंद ही कर देता हूँ, और टाइम बज गई भाई 1:03। 12 बजे ड्रॉप किया, उसके बाद राइड नहीं मिले, एक भी बार राइड नहीं मिली। तो सारा एप्लीकेशन अभी भी लॉगिन हो, अभी भी रैपिडो पोर्टल सारा ऑन है। तो मैं अर्निंग ही बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एंड कर देता हूँ। बाकी अर्निंग तो भाई ठीक ठाक हो गई है। एक सेकंड गाइस, मैंने ऐड कर रखा है। हाँ गाइस, तो अभी अर्निंग की बात है। अर्निंग जो हमारी ओला में हुई है 301 की हुई है, उसके बाद 147 की हमारी अर्निंग उबेर में हुई है। 62 रुपीज़ जो है मेरे को एक्स्ट्रा मिला था, वो जो मैंने लास्ट में दिखाया था हावड़ा स्टेशन पे ड्रॉप किया था, तो भैया ने दिया था 62 एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है। और एक मैंने ऑफलाइन राइड मारा जो कि लास्ट शॉर्ट लिंक ड्रॉप किया, उसके बाद राइड नहीं मिली, वो 120 की थी। तो टोटल अर्निंग 630 की हमारी हुई है, ठीक है। और 630 की अर्निंग हमारी हो गई। बाकी ओला भी बहुत अच्छी राइड दे देती है, बहुत ही बढ़िया राइड मिल रहा था ओला से। मॉर्निंग में बहुत अच्छा राइड मिल रहा था, बैक टू बैक दिए जा रहा था ओला, और पेमेंट भी बहुत अच्छी देखने को मिली, ठीक है। अगर पिकअप को देख लेते तो 11.5-12 रुपये किलोमीटर मिल रहे थे, और पिकअप को अगर छोड़ देते हैं तो 13.5-14 रुपये किलोमीटर मिल जा रहे थे। एंड अभी मैंने गाड़ी कितना चलाया वो भी बता देता हूँ। गाड़ी जो हमारी चली है, तो गाइस हमने गाड़ी चला ली 73 किलोमीटर, जिसकी पेट्रोल कॉस्ट होती है 146, ठीक है। तो माइनस कर देता हूँ, तो 484 रुपये हमारी बजट हो रही है गाइस, 146 पेट्रोल हटा करके 484 रुपीज़, यही हमारा बच रहा है आज के दिन। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ से मेरे को राइड मिली नहीं। अभी भी लॉगिन हूँ, ऐसा नहीं कि अभी लॉग आउट करती हूँ, अभी भी लॉगिन हूँ, बज नहीं रहे कहीं भी। तो अगर राइड मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट मिली नहीं तो अभी हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो चलो, आप 8:18 से मैंने काम शुरू किया था, 1 बज रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने क्या हुई। और राइड बहुत अच्छी मिल रही थी, बीच में हम गलती हमारी भी है कि मैं अगर ओला उठा रहा हूँ तो उबेर ऑफलाइन कर रहा हूँ, और उबेर उठा रहा हूँ तो ओला ऑफलाइन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना, इससे भी आईडी पर इफ़ेक्ट पड़ती है। मैंने हेल्प सपोर्ट में भी बात किया था, राइड कम होने का रीज़न ये भी होता है। एक एप्लीकेशन को पर्टिकुलर आप काम करोगे तो वो ठीक होती है भाई। अगर बार बार बदलते हो, चेंज करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन होते हो, तो उससे भी राइड कम मिलती है। चलो, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार सब्सक्राइब करो जल्दी से, लाइक ठोको, है ना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, इसीलिए कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। जितनी बड़ी फैमिली बनेगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा भाई काम करने में भी, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से मैं काम करने में भी मज़ा आता है ना, फिर वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है, और आप लोग को तक अपनी बातें रखने में भी मज़ा आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड बी केयरफुल।